आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आयुष्मान की ड्रीम गर्ल मूवी रिलीज हुई थी 4 साल पहले। वैसे इसी बीच आयुष्मान की बहुत सी मूवी आई थी और आयुष्मान को हमेशा से ही आइसोलेटेड रोल्स करने बहुत पसंद हैं। वो एज ऑलवेज अपनी ऑडियंस के लिए हटके मूवी करते हैं, जैसे कि अनेक, आर्टिकल 15, एन एक्शन हीरो, अंधाधुन, चंडीगढ़ करे आशिकी, डॉक्टर जी एंड मोस्ट वियर्ड कैरेक्टर ऑफ आयुष्मान इन शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। ओके, दीज टॉपिक्स आर सो सोशलाइज। हाँ, बट अभी के लिए आयुष्मान को ये समझना पड़ेगा कि उनकी ऑडियंस डिवाइडेड है, बिकॉज नॉट एवरीवन वांट हिज फेवरेट हीरो डू दी सेम टाइप ऑफ मूवी, बिकॉज आयुष्मान हमेशा अपने आप को एक ही रोल में जस्टिफाई करते नज़र आते हैं। उनको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। मतलब आयुष्मान को देखकर अब ऑडियंस को ये फीलिंग आ गई है कि अब आयुष्मान के पास कोई और चारा नहीं है लड़की बनने के अलावा। सो फाइनली ड्रीम गर्ल 2 में भी वो लड़की बने हैं। अब ड्रीम गर्ल 2 है तो स्टोरी अलग होगी, ये सोचकर इस मूवी को देखने मत जाना। स्टोरी वही है सेम, बस लड़की बनकर पैसे ऐंठना, लोन लेकर किसी को नहीं देना। इस मूवी में अनन्या पांडे, अब ये तो आपको पता है कि अनन्या पांडे के नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है। इसमें इनके पिताजी यानी अनन्या पांडे के पापा बोलते हैं, लड़के के अकाउंट में 25 लाख होंगे तो ही करूंगा मैं अपनी बेटी की शादी। मतलब बात होती है यहाँ पे कि आयुष्मान अनन्या पांडे से प्यार करते हैं, लेकिन इसी बीच उनके पापा आ जाते हैं शादी में। बस आयुष्मान लड़की बन जाते हैं, यानी कि पूजा। इसमें एक डिप्रेशन का मरीज होता है जो परेश रावल का बेटा होता है, और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है क्योंकि वो पूजा से मिल लेता है। फिर क्या, परेश रावल उसकी शादी पूजा यानी आयुष्मान से करा देता है। उसका मानना होता है कि उसका बेटा पूजा से मिलने के बाद ही डिप्रेशन से बाहर आया है। बस इसे दिक्कत और बढ़ जाती है क्योंकि उनको लड़की बनकर उस लड़के से शादी करनी होती है, क्योंकि उन्हें चाहिए होते हैं पैसे। बस पूजा के हजारों दीवाने होते हैं, वही पुराना कॉन्सेप्ट। आयुष्मान को लगा ऑडियंस खुश हो जाएगी इस मूवी का ट्रेलर देख के, लेकिन सच बताऊं ये ट्रेलर देखने के बाद ही पता चल गया कि अब बॉलीवुड में कुछ नहीं बचा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये रिव्यू कैसा लगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।